हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं। आप देख रहे हैं सिनेमा सागर। अभी साल का खत्म होने जा रहा है और 2023 के बेस्ट 6 ओएसटीज के ऊपर बात करेंगे। भाई इस साल के जो ड्रामास तो आए बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन उनमें से कई ऐसे ड्रामास आए जिनमें आपको ओएसटी ने उस जो मजे को था वो दुबाला कर दिया। उस ओएसटी की वजह से आपने उस ड्रामे को ज्यादा देखा। तो भी वो 6 ऐसे ओएसटीज जिसने इस साल आपको मजा कराए रखा और सुनने में भी वो बहुत मजे के थे, तो भाई वो 6 ओएसटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ये मेरी लिस्ट है, ये मैंने लिखी है, तो भाई ये आपकी ओपिनियन इसे चेंज हो सकती है। अगर आप कुछ और नंबरिंग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो भाई बात कर लेते हैं भाई ओएसटी तेरे बिन की। भाई क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। तेरे बिन 6 नंबर पे आता है और इसको वॉइस दी थी शान अरशद ने, और भाई क्या जबरदस्त वॉइस दी थी, मजा आ गया था। ये सॉन्ग तो इसलिए भी ज्यादा उठ गया था क्योंकि इसके ऊपर एक कॉपीराइट भी आ गया था उनकी तरफ से, जी की तरफ से, जो इसकी वजह से भी ये ज्यादा उठ गया था। और 5 नंबर पे बात करते हैं मैं ड्रामे की। नहीं मुझको जरूरत तेरी, जो ओएसटी था इसको आसिम अजहर ने लिखा है और भाई आसिम अजहर ने गाया है। और आपको बता दूं कि भाई आसिम अजहर को अगर अच्छे अच्छे गाने मिलना शुरू हो जाएं भाई जन, वो बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन उनको ना शायद अच्छे सॉन्ग मिलते नहीं है, जितने अच्छे उनको मिले हैं जो वो बहुत अच्छे हैं। अगर उनको अरिजीत सिंह जैसे जो लाइन्स मिल जाए ना भाई, वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन उनको शायद मेरे लिहाज से उनको अच्छे सॉन्ग मिलते नहीं हैं। बात कर लेते हैं 4 नंबर की, तो 4 नंबर पे आता है सुकून भाई। जिंदगी सुकून में 2 सिंगर्स थे जो कि हसान और रोशन थे, इन्होंने गाया और अभी मजा आ गया। और उसके बाद साल का एक बहुत बड़ा हिट ड्रामा जिसने भाईजान सबके दिलों पे फुल छाया रहा और इंडिया हो गया जहां पे भी सुन लो भाई, इस टाइम ये गाना सुनने को मिला था और एक ड्रामे में भी आ गया वो गाना। तो भाई मुझे प्यार हुआ था भाई, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, कैफे खलील का गाना भाई साहब। इस जैसा गाना इस साल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा गाना यही था इस साल का। और लेकिन इसको मैंने 3 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ड्रामा के अंदर का था, ड्रामे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और बात कर लेते हैं यहाँ पे काबली पुलाव में, तो भाई देखा तो यू देखा मुसव्विर हो गई आंखें। काबली पुलाव में जो उनका राहत फतेह अली खान ने जो गाना गाया था अनकहा, वो बहुत जबरदस्त था भाई। राहत फतेह अली खान टॉप 2 में है, तो भी आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन होगा। तो भाई नंबर 1 पे होने वाले हैं इश्क मुर्शिद। आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। मेरा फेवरेट गाना इस साल का, मेरा फेवरेट गाना भाई साहब ये है, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो मेरा फेवरेट है, जो मैं बार बार रिपीट पे सुनता हूँ भाई साहब, क्या जबरदस्त का गाना था। और मेरा भाई जान ये फेवरेट गाना है और मैं इसको सुनना बहुत बार पसंद करता हूँ। और इसको अहमद जहांजेब ने इसको गाया है और भाई जान क्या गाया है। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपके कोई सॉन्ग्स रह चुके हैं तो वो भी जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो ताकि मैं पार्ट 2 भी देखूँ और पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो भाई इस तरह की और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाफिज, बाय बाय।